हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। हेलो जी, बोले। हेलो जी, आवाज आ रही है। अभी जो थोड़ी देर पहले सिख भी आए थे, ये कह रहे थे कि पाकिस्तान इनको आर्म्स सप्लाई करता है। इनके पास क्या प्रूफ है कि ये पाकिस्तान ही करता है? मतलब इंडिया में जरा सा भी कुछ होता है तो पाकिस्तान को ही क्यों टारगेट किया जाता है? वो तो आपको पता है ना, देखें नहीं, गलत कल है। और ये देखें, आपने भी अभी ये बात की। कल मैं देखिए, वो जो मुंबई में अटैक्स हुए थे ना, उस पे देख रही थी। डेविड हेटली का किसी ने जिक्र किया था कल की ब्रॉडकास्ट पे ना, तो मैं उसको जाके सर्च कर रही थी, तो उसके सारे लिंक्स कहाँ से निकले थे बताइएगा जरा मुझे। मुझे क्या पता? आपको नहीं पता तो फिर आप जाकर आप बात नहीं, क्यों कर रहे हो यहाँ पर आके? नहीं 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 अगर आपको यही नहीं पता तो आप आके यहाँ बात क्या कर रहे हो? पहले आप जाके रिसर्च करें फिर कि वो कहाँ से आए थे, क्योंकि कहाँ से लेकर आए मैंने ये थे, सुना ना। वो कहाँ से लेकर आए थे एम्यूनिशन। आपको आपको क्या उन्होंने बताया था मैसेज करके कि हम पाकिस्तान से लेकर आ रहे हैं? ओ भाई साहब, पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है। वो बंदा अभी 30 साल के लिए ना यूएस में जेल में पड़ा हुआ है, जिसने बताया था कि उसको कौन चला रहा था, हिजबुल तहरीन है, और वो कौन बंदा है जो वहां बैठा है, हाफिज सईद, पाकिस्तान में जो बैठा है, वो भी जेल में बैठा है इस वक्त। वो जेल में क्यों बैठा है पता है आपको? जेल में क्यों बैठा है बताइए जरा। नहीं, मुझे नहीं पता। तो लो, तो आपको कुछ पता नहीं है, आपसे बात करने का हो गया नहीं, आ गए यहाँ पर आपको खुद, तुमको टके का नहीं पता, जाओ रिसर्च करो पहले फिर आगे बात करेंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।